देखिए हम जा रहे हैं बनाने टमाटो सॉस, जिसमें ये आधा किलो टमाटो था छोटा छोटा, तो इसको आधा आधा काट करके इस तरह से भून लेना है। इसमें ऐड करने के लिए देखिए ये मोटी वाली फीकी मिर्ची आती है, तो ये थोड़ा पक गया था घर में, तो इसको इस तरह से भून लेना है। और ये भी घर में ही था, ये भी पक गया था, इसे मिर्ची मतलब इसमें ऐड होगा। और इतना ये लहसुन है, तो लहसुन आप छील भी सकते हैं, नहीं भी छील सकते हैं, तो भी टेस्टी चटनी बनेगा। और इधर देखिए टमाटो एक साइड से हो गया है, अब इसको पलटना है। और ये वाला टमाटो सॉस आप 4-5 दिन तक खा सकते हैं, अगर फ्रिज है तो फ्रिज में रख करके। अब ये देखिए सभी टमाटर पलट के हो गया, आपको 3 मिनट के लिए ढक्कन डाल के छोड़ देंगे, चूल्हा थोड़ा सा फास्ट कर देंगे। अब इधर धनिया है, इसमें धनिया भी यूज होगा, इससे धनिया हम इसमें ऐड करेंगे। अब ये देखिए टमाटर अच्छे से भुन गया, इसको यहाँ पर हम चूल्हा बंद कर देंगे और अच्छा ठंडा होने के बाद ही पीसेंगे। और इधर इसमें ऐड करने के लिए थोड़ा सा ये व्हाइट नमक है, थोड़ा सा काला नमक है, ये सब इसमें जाएगा। आप चाहे और तीखा खाना चाहते हैं तो और भी लाल मिर्ची भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए जो हरी धनिया है ना, इसको भी थोड़ा हल्का सा इसमें भून लेना है, तो और भी टेस्टी चटनी बन जाएगा। अब ये देखिए टमाटर ठंडा हो गया, तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं, इसमें पानी नहीं जाएगा, बिना पानी के पीसना है। नमक ऐड कर देंगे, देखिए टमाटो सॉस बन के हो गया तैयार। हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, आज के खाने में रोटी बनी है, इधर टमाटो वाला आमलेट बना है और टमेटो सॉस है, और इधर रसम सजा लेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।